आप लोग थ्रिल और मिस्ट्री पसंद करते हो तो डेफिनेटली ये मूवी आप लोग के लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे एक चोर की स्टोरी जो कि गाड़ी को चोरी करने के लिए जाता है और खुद उसके अंदर ही फंस के रह जाता है 3 से 4 दिनों के लिए, बिना खाना बिना पानी। आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी कैमराज एंड सिक्योरिटी से लैस थी। वहां पर हम सीरो नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका पेशा था गाड़ियां चोरी करना और उसके अंदर से जो भी एक्सेसरीज थी उनको चुराना। हम देखते हैं वो एक गाड़ी को ब्रेक करता है और उसके अंदर जाकर गाड़ी के सभी नेसेसरी एक्सेसरीज को वहां से चुरा लेता है, जैसे गाड़ी का म्यूजिक ऑडियो एंड डैशबोर्ड पे जो भी नेसेसरी आइटम्स थे जो कि उसके काम के थे उन सभी को चुरा के अपने अपने बैग में रख लेता है। गाड़ी के अंदर कुछ कैश भी पड़ा होता है, वो कैश को भी रख लेता है। तो हमारे चोर भैया सीरो को लगता है कि उसने तो भाई तगड़ी गाड़ी चुराई है, तगड़ा सामान मिला है गाड़ी से, पर उसका अभी भ्रम टूटने वाला था। हम देखते हैं कि वो गाड़ी को ओपन करने की कोशिश करता है पर गाड़ी उस पर नहीं ओपन होती। वो गाड़ी के शीशों को भी तोड़ने की कोशिश करता है पर उस पर वो भी नहीं होता। हम देखते हैं वो गाड़ी के जो डोर हैंडल्स थे उनको भी खोलता है तो भैया चोर भैया पे वो भी नहीं खुलता। हम देखते हैं कि वो बैक डोर पे जाता है और पीछे वाले शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वो सबसे कमज़ोर होता है, पर यहाँ पर हमारे चोर भैया पे वो भी नहीं टूटने वाला था। हम देखते हैं वो गाड़ी की एक्सेसरीज में से एक लोहे का छोटा सा एक आइटम निकलता है, उससे शीशों को तोड़ने की कोशिश करता है, पर हमें पता पड़ता है कि वे शीशे जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे। हम देखते हैं सीरो भैया को जो कि उस गाड़ी के डोर हैंडल को तोड़ रहे थे और तोड़ते तोड़ते अपने हाथ पे ही मार लेते हैं जिससे कि उनका बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारा चोर बैक सीट पे जाता है और अपनी गन निकालकर पॉइंट करता है विंडो पे, पर वो वहाँ पर जो उसकी बुलेट होती है वो उसी के पैर में आके लग जाती है। यहाँ हमें पता पड़ता है कि उन सारी विंडोज जो थी वो सभी बुलेट प्रूफ थी। अब यहाँ पर सीरो भैया के हाथ में भी लग चुकी थी, घोंटू में भी लग चुकी थी, तो यहाँ पर सीरो अपनी टी शर्ट निकाल के अपने घोंटू पे बांध लेता है ताकि उसका जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाए। अब हम देखते हैं कि एक औरत आती है, वो यहाँ पर उस शीशे पे अपना मेकअप करने लगती है, तो सीरो उसके पास जाता है, उसे बुलाने की कोशिश करता है, ठक ठक करता है विंडो पे, पर हमें पता पड़ता है कि वो विंडो से वो लड़की नहीं सुनती क्योंकि जो बाहर का जो सामान था वो लोग अंदर नहीं देख सकते थे और अंदर के जो लोग थे वो बाहर देख सकते थे और बाहर के लोग अंदर नहीं देख सकते थे क्योंकि जो विंडोज़ थी वो सभी टिंटेड थी, तो बाहर के लोग अंदर बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। हमें पता पड़ता है कि सीरो का इतना सा भी चांस नहीं था कि वो बाहर जा सके। अब हम देखते हैं वो अपने एक फ्रेंड को कॉल लगाता है और हम देखते हैं कि उसकी जो फ़ोन की बैटरी थी वो भी एकदम लो हो जाती है। अब वो फ़ोन को भी पटक के मारता है। अब यहाँ पर भैया जी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहा बाहर निकलने का। हम देखते हैं उसके पास पानी भी नहीं है, उसके पास सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक है जिसे पीकर वो अपना गुजारा कर रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है, वो कोल्ड ड्रिंक ही पी लेता। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है, वो यहाँ पर दर्द से कराह रहा था, उसे प्यास भी लग रही थी, भूख भी लग रही थी, तो विंडो पे लगे थोड़े बहुत पानी की छींटों को उनको ही चाट रहा था। अब अगले दिन हम लोग देखते सुबह होती है तो यहाँ पर सीरो भैया उस मल्टीमीडिया को उस कार में लगा देते हैं जिससे कि वो गाना सुनने लगते हैं, जिससे कि वो थोड़े से काल्म हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लोग उस गाने को चेंज ही कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक कॉल आती है जो कि उस कार के ओनर की कॉल थी सीरो के लिए। अब हम लोग देखते हैं सीरो उस कॉल को उठाता है और वहाँ पर हमें पता पड़ता है कि जो कार का ओनर था वो एक डॉक्टर है और वो एक संकी डॉक्टर है, पागल डॉक्टर है। हम देखते हैं कि वो संकी डॉक्टर सीरो से कहता है कि तुम अब मेरी कार के अंदर फंस चुके हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी कार को चोरी करने की तुमने सोची भी कैसे। तो सीरो यहाँ पर कहता है कि तुमने अगर मुझे बाहर नहीं निकाला तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा, पर वो साइको डॉक्टर उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। थोड़ी देर शांत रहने के बाद वो डॉक्टर कहता है कि नीचे से निकलने का ही एक इस गाड़ी से एक इकलौता रास्ता है और तुम वहाँ से निकल नहीं सकते, अगर तुमने कोशिश करी तो मैं और तुम्हें उड़ा दूंगा। हे गाइस, वेट वेट वेट, मैंने आप सभी लोगों के लिए एक दूसरा चैनल बनाया है जहाँ पर मैं कुछ पॉपुलर नेम्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो आपको कौन सा नेम पसंद है, मैं जल्द से जल्द आपको उसके एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलिए एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सीरो होता है वो डॉक्टर से कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो तुम यहाँ पर एसी ऑन कर दो कार का, तो डॉक्टर उसके कहने पर एसी ऑन कर देते हैं और देखते देखते एसी के कारण कार का जो टेम्परेचर था वो 17 डिग्री सेल्सियस 16 15 एंड फिर यहाँ पर डायरेक्टली 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिससे कि कार का जो टेम्परेचर था वो माइनस में जाने की वजह से इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था सीरो की जो बॉडी थी वो भी नीली पड़ने लगी थी, वो यहाँ पर मरने ही वाला था। हम देखते हैं उसके जो पैर थे उन पर घाव होने लगे थे, उन पर बैक्टीरिया बनने लगा था और वो मरने ही वाला था, पर तभी हम देखते हैं कार का जो एसी है वो यहाँ पर बंद हो जाता है। तो वे ठंड के कारण हमारे चोर की इतनी ज़्यादा फट गई थी कि उसने अपने कपड़े भी अब पहन लिए थे। हम देखते हैं कि सीरो बाहर देखता है, वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर था, वो यहाँ पर उसे आवाज़ लगाने की कोशिश करता है पर जो कार थी वो साउंड प्रूफ थी, अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। तो हम देखते हैं कि सीरो से चिल्लाने की कोशिश करता है पर वो तब भी नहीं सुनता
और हमें पता पड़ता है ये पुलिस ऑफिसर उस कार का चालान काटने के लिए आया था जो कि गलत जगह पर खड़ी थी। अब तो भैया यहाँ पे इस चोर भैया के पास यानी कि सीरो के पास एक भी ऑप्शन नहीं था इस कार से बाहर निकलने का, क्योंकि कार में जो थी वो साउंड प्रूफ थी, बाहर के लोग अंदर नहीं देख सकते थे। हम देखते हैं तभी वहाँ पर सीरो को एक उम्मीद जागती है, क्योंकि एक चोर आता है उस कार को लॉक तोड़ने के लिए और वो यहाँ पर बेसिकली उस कार को चोरी करने के लिए आया था। और यहाँ पर लोकेलिटी के लोग उस चोर को पकड़ लेते हैं और पुलिस को बुलाकर उसे अरेस्ट करवा लेते हैं। हम लोग देखते हैं वो लोग उसे बहुत ज़्यादा मारते पीटते भी हैं। तो भाई बुरे कामों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, और मैं आपसे यही कहूँगा कि कभी चोरी मत करना, नहीं तो आपका हाल भी सीरो की तरह हो जाएगा। हम देखते हैं कि सीरो के पास अब एक भी चांस नहीं था इस कार से निकलने का। तभी हम देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर का फ़ोन आता है, तो सीरो उससे कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो डॉक्टर फिर भी उसका रिप्लाई नहीं करता। सीरो को हम देखते हैं जो कि विंडोज से शीशे पे से कुछ पानी की बूंदें आ रही थी उनको ही चाट के थोड़ा सा अपना लाइवलीहुड कर रहा था इस कार के अंदर। उसको अब यहाँ पर 3 दिन पूरे हो चुके थे। हम देखते हैं कि सीरो सो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी आंखें फिर से खुलती है और फिर से एक कॉल आती है। हम देखते हैं कि वो डॉक्टर से कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तुम पानी क्यों नहीं दे रहे हो। तो डॉक्टर कहता है कि कार के पीछे एक पाइप है जो कि गाड़ी को साफ करने का पानी उसमें भरा हुआ है। तो सीरो उस पानी को निकाल कर अपनी बोतल में भर लेता है और उसे ही पीने लगता है जो कि केमिकल से भरा हुआ। सीरो को इतनी ज़्यादा प्यास लगी हुई थी कि वो एक ही घूंट में सारे पानी को ख़त्म कर देता है। गाइज ये था इस मूवी का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं कल इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सेकंड पार्ट का लिंक मिल जाएगा। तो अब देखना हमें यह है कि क्या सीरो बच पाता है, क्या पुलिस उसे रिकवर कर पाती है। तो इस वीडियो में आगे क्या होने वाला है ये देखने के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।